दोस्तों नमस्कार मैं लोकेश मालाकार सर्वरक्षक समिति रायगढ़ से और हमारे साथ अभी समिति के बाकी भी सदस्य हैं आ, आप लोगों को पुषपुन्नी त्यौहार जो कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय त्यौहार है पुष्पुन्नी त्यौहार छेछेरा का हार्दिक बधाई और अभी हम लोग आ रखे हैं जंगल में आ, तीन सांपों को रिलीज़ करने जिसमें से दो रसल वाइपर है और एक रेड स्नैक है तो रसल वाइपर को अभी घने जंगल में रिलीज़ करेंगे और रेड स्नैक को उसके रहवास स्थान की जगह पर जाकर रिलीज़ करेंगे तो आइए आपको मैं रसल वाइपर के बारे में बताता हूँ भारत में पाए जाने वाले चार जो वेनमस स्नैक है जहरीले स्नैक हैं उनमें से एक ये है रसल वाइपर ये वाइपर प्रजाति का सांप है रसल वाइपर है और इसमें ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होता है दोस्तों ह्यूमोटॉक्सिक वेनम काफ़ी घातक होता है अगर ये किसी को बाइट कर ले तो उसके शरीर में फफूले पड़ने चालू हो जाएंगे सूजन चालू हो जाएगा और अंग गलना चालू हो जाता है ये टिश्यूज़ को इफेक्ट करता है इसका जो वेनम है वो तो कभी भी ये सांप आपको अगर बाइट करे तो आपको सीधे शासकीय हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वहां इसका एंटीवेनम अवेलेबल होता है और एंटीवेनम से आपकी जान बचाई जा सकती है और आप देख सकते हैं वीडियो में ये काफी तेज फुमकार देते हैं और अपने आसपास अगर ये खतरा महसूस करते हैं तो काफ़ी तेज़ काटते हैं ये और इनका कलर आप देख लें ये ब्राउन कलर में इसके शरीर के ऊपर काले काले गोल गोल सिक्के नुमा चैन नुमा डिज़ाइन बनी होती है और ये डिज़ाइन इनके सर से लेके पूछ तक होती है पूछ के लास्ट भाग में ये थोड़ी धुंधली हो जाती है बाकी सांपों की अपेक्षा इन सांपों में नाक बड़े होते हैं और ये हमने रेस्क्यू किया था गोपालपुर से और ये जोड़े से रेस्क्यू हुआ था एक ही जगह से ये दोनों सांप रेस्क्यू किए गए थे तो बाकी रेस्क्यूअरों से भी मेरा अनुरोध है कि कभी भी रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो ध्यान रखें वहाँ पे जोड़े सांप भी निकल सकते हैं एक के रेस्क्यू रेस्क्यू के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपको दूसरे सांप का सर्पदंश हो जाए तो हमेशा जब भी जाते हैं रेस्क्यू के लिए तो आस के परिवेश में एक बार ज़रूर ध्यान दें या आपके घरों में भी अगर ये सांप निकलता है तो ध्यान दें कि आपके घर के आस में अगर एक सांप है तो दूसरा सांप भी हो सकता है और किसी भी जहरीले सांपों से आपको दूर ही रहना चाहिए बच के रहना चाहिए दोस्तों सांपों का एकमात्र इलाज एंटीवेनम होता है तो कभी भी आपको सर्पदंश होता है किसी भी स्नैक का बाइट होता है तो आप सीधे सासकी हॉस्पिटल जाएँ आपके नज़दीकी सासकी हॉस्पिटल वहाँ एंटीवेनम अवेलेबल होते हैं वहाँ आपकी जान बचाई जा सकती है कभी भी ओझा गुनिया झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहें ओझा गुनिया झाड़ फूँक के चक्कर में आप जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपकी जान जा सकती है नमस्कार दोस्तों रक्षक समिति रायगढ़ से मैं विनीतेश तिवारी और मेरे साथ में मेरी टीम के बाकी के सदस्य भी हैं अभी यहाँ पे अभी दो रसल वाइपर को छोड़े हैं उसके बारे में जानकारी भी दी हैं अभी एक धमना सांप रेड स्नेक है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कौन कौन से सदस्य हैं सारे अपने जॉब में रहते हैं और समय निकाल के रेस्क्यू करते हैं निःशुल्क सेवा देते हैं चाहे वो डॉग हों गाय हों या फिर सांप हों कोई से भी जीव जंतु हों उनकी रक्षा के लिए हम लोग हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और उनकी जान बचाने के लिए हमारी टीम से कोई ना कोई सदस्य जरूर निकलता है अभी आपको सामने में दिखाई दे रहे हैं लोकेश मालाकार सफ़ी आलम जय नान खर्रा जो चश्मे में है वहाँ पे जय यदु सज्जन साहू पंकज पटेल अजय सिंह और रितेश गोरख भाई और कैमरे के पीछे जो हमारे हैं उनको हम आपको सबसे लास्ट में दिखाएंगे ओंकार पटेल तो दोस्तों ये एक धमदा सांप है ये अभी ठंड जाने के बाद में जो अब गर्मी आ रही है इसमें सबसे बड़े साइज के जो धमना सांप हैं ये अब बाहर निकलेंगे क्योंकि ये दो महीने से बिना खाए पिए कहीं रहते रहे हुए थे अब ये बाहर निकलेंगे तो अब खाने के लिए बाहर आएंगे तब एग्रेसिव मोड में हुआ करेंगे तो इनके आने से कृपया ना घबराएं ये बड़े साइज के होते हैं तो आदमी घबरा जाता है इनको देख के ये सिर्फ चूहे खाने के लिए घरों तक आते हैं बिल्कुल भी जहर नहीं होता है और सबसे बड़ी भ्रांति कि इसके पूछ में कांटा होता है ये बिल्कुल भी कांटा नहीं होता है तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कहीं कोई कांटा नहीं है ये दस फीट के आसपास भी अपने को मिल जाते हैं तो दोस्तों ये है और इसको भी अभी जंगल में ही छोड़ देते हैं जंगल से थोड़ा साइड में अपन छोड़ेंगे ताकि ये रहवास एरिया के आसपास में रह सके दोस्तों हमारी समिति जो है यह निःशुल्क सेवा देती है और सारे के सारे जो आप सदस्य देख रहे हैं सब के सब किसी न किसी जॉब में हैं और कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं इसलिए कभी कभी हम लोग को आने में समय भी लग जाता है तो कृपया हमारा सपोर्ट करें जीव जंतु को बचाने की इच्छा आपकी भी है हमारी भी है तो एक दूसरे का सपोर्ट करके ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक के में भी आ सकते हैं यूट्यूब का चैनल जो है हमारा वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ तक कि आपको हमारे मोबाइल नंबर भी इसमें आपको मिल जाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों सर्व रक्षक समिति रायगढ़